हे गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पर फोटोज़ कैसे डाल सकते हैं या फोटोज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फोटोज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली वीडियो बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल शुरुआत दौर में है इंस्टाग्राम के और इंस्टाग्राम सीख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका और बहुत ही सूटेबल तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग बहुत आसानी से इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डालना सीख जाएंगे बिल्कुल सही तरीके से। सो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर YouTube चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग इंस्टाग्राम पर फोटोज़ को कैसे अपलोड कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फोटोज़ कैसे डाल सकते हैं। सो चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जैसे इंस्टाग्राम में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला प्लस का आइकन। सो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जो भी आप लोग फोटो या वीडियो अपलोड करना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैं एक फ़ोटो अपलोड करना चाहता हूँ, मेरा ये वाला फ़ोटो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग फोटो अपलोड करेंगे सो ये क्या होगा, क्रॉप करके आएगा, आप लोगों को पूरा डालना है फोटो इंस्टाग्राम पर। तो यहां पे जैसे ये साइड के आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे, वरना ये फोटो क्रॉप होता है और मैंने बहुत से बिगिनर्स को देखा वो क्रॉप फोटोज ही डाल देते हैं। तो साइड का एक आपको लोगों को आइकन दिख रहा है ये वाला, जैसे इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि फोटो फुल साइज में आ जाएगा जितना वो आ सकता है, वरना क्रॉप होगा। गाइस अब आप लोगों को ये करना है कि जैसे आप लोगों ने फोटोज वगैरह साइज कर लिया ना, आप लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन में ये जो दिख रहा है यहां पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहां पे क्या होता है, आप लोगों को फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं अगर आप लोग अपना फोटोज एडिट नहीं करते तो। यहां से आप लोगों फिल्टर्स वगैरह आप लोग जो भी यूज करना चाहें तो देखें, यहां से आप लोग फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं तो आपकी जो फोटोज है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आप लोग सिंपल फोटो यहां पे अपलोड कर रहे हैं तो इन फिल्टर्स का आप लोग यूज कर सकते हैं। बाकी यहां पे एडिट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहां से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं अपने फोटो की, या फिर अगर आप लोग यहां नीचे आएंगे तो यहां पे कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, एडजस्ट है, और स्ट्रक्चर वगैरह अगर आप लोग वार्म वगैरह मतलब अपने फोटो की सिचुएशन बढ़ाना चाहें, देखिए सिचुएशन बढ़ा रहे हैं तो क्लियर मिल रहा है कि यहां से आप लोग अपने इंस्टाग्राम फोटोज को इंस्टाग्राम में ही एडिट कर सकते हैं जो अपलोड करना चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम में आप लोग बहुत आसानी से यहां पर फोटोज को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर शार्पनेस बढ़ानी है आपको तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग जैसे कोई अल्टरनेट ऐप का यूज नहीं करते फोटोज एडिट करने के लिए तो आप लोग यहां फिल्टर्स और एडिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप लोगों को जैसे आप लोगों ने एडिट वगैरह कर लिया, अब आप लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब क्या होगा कि मैं आप लोगों को बताता हूं क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोग अपना कैप्शन जरूर लिखें, कैप्शन यानी कि आप लोग फोटोज के बारे में जो भी अपना क्वार्ट्स हो गया, शायरी हो गई, सो जरूर लिखें क्योंकि उससे ना फोटोज में एक अलग ही मतलब इंप्रेशन पड़ता है यूजर को, सामने वाले को। तो यहां पर जो भी आपका क्वार्ट है वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं, अपना नाम ही जैसे मैं एग्जांपल लिख के बता देता हूं, जैसे मनीष फॉर यू मैंने लिख दिया तो यहां पर आप लोग अपना कर सकते हैं। उसके बाद हैशटैग का यूज जरूर करें, फॉर एग्जांपल हैशटैग जैसे मैं मनीष फॉर यू लिख रहा हूं, सो ऐसे आप लोग 20 से 25 हैशटैग यूज करें। और अगर आप लोग बिगिनर से आप लोगों को हैशटैग यूज नहीं करना आते तो इस पर कई वीडियोस मैंने बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर हैशटैग्स कैसे यूज करें मनीष फॉर यू। तो हैशटैग्स यूज करने से क्या होता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पर लाइक्स मिलती है, फॉलोअर्स मिलते हैं। तो आप लोग वो वीडियो जरूर जाकर देखें इस वीडियो के बाद। तो जैसे कि आप लोग यहां पर आप लोगों ने ये डाल दिया, क्या बोलते हैं, नाम डाल दिया और अपना मतलब जो कैप्शन वगैरह डाल दिया, उसके बाद यहां पर टैग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग अपने आप को टैग करना चाहें तो ऊपर आप लोग सर्च करके यहां से किसी भी फोटो पर आप किसी को टैग कर सकते हैं। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई कि इंस्टाग्राम पर टैग कैसे करते हैं। उसके बाद यहां से अगर आप लोग लोकेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं कि आप लोग किस लोकेशन पे ये फोटो आप लोगों ने खिंचा है तो यहां से आप लोगों को लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आप लोग क्लियर मिला के इस तरीके से कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन आता है, यहां पे आप लोगों को एक ऑलरेडी बटन दिख रहा है यहां शेयर का, इस पर अगर आप लोग जैसे टैप करेंगे तो आपका फोटो विद इन अ सेकेंड यहां पर इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगा। बट मैं इसको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं तो मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूं। सो आप लोग इंस्टाग्राम पर इस तरीके से कोई भी फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले स्टे ट्यून विद मनीष फॉर यू।